वेलकम टू सोशियोलॉजी क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त शिबू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं राल्फ डेरेंडॉर्फ के बारे में। राल्फ डेरेंडॉर्फ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट थे, जिन्होंने इंडस्ट्रियल सोसाइटी में, मॉडर्न सोसाइटी में किस तरीके से क्लासेस में बदलाव आती है, क्लासेस के बीच में किस तरीके का कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन आती है, इसके ऊपर उन्होंने एनालाइज की थी। राल्फ डेरेंडॉर्फ को समझने से पहले हमें थोड़ा कार्ल मार्क्स के बारे में जानना होगा। कार्ल मार्क्स ने क्लासेस के क्या क्या टाइप्स के बारे में बात की है, क्लास स्ट्रगल के बारे में वो क्या कहते हैं, क्लासेस किस तरीके से रिवोल्यूशन लाएगी, वो सारे कॉन्सेप्ट जो कार्ल मार्क्स बताते हैं उनको भी हमें समझना होगा, क्योंकि डेरेंडॉर्फ ने जो भी काम किया है ज़्यादातर कार्ल मार्क्स से इंस्पायर्ड होके और कार्ल मार्क्स के थ्योरीज को ही मॉडिफाई करके उन्होंने प्रेजेंट किया था। इस वजह से कार्ल मार्क्स के क्लास आप लोग पहले देखिएगा, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो वो क्लास ज़रूर देखिएगा, उसके बाद डेरेंडॉर्फ की ये क्लास देखिएगा, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं कार्ल मार्क्स का क्लास डिस्क्रिप्शन लिंक बॉक्स पे दे दूंगा, वहां से आप लोग ये कार्ल मार्क्स का क्लास को देख लीजिएगा, क्योंकि कार्ल मार्क्स को देखे बगैर हम डेरेंडॉर्फ के बारे में कुछ पढ़ नहीं सकते हैं। डेरेंडॉर्फ ने बहुत सारे थ्योरीज के बारे में बात की है, उनका ज्यादातर जो थ्योराइजिंग है वो कार्ल मार्क्स से ही इंस्पायर्ड है। अब आज के इस क्लास में उनके बहुत सारे थ्योरीज को हम डिस्कस करने वाले हैं, खासकर क्लास कॉन्फ्लिक्ट के बारे में उन्होंने जो भी चीज़ें बताई है उसको हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। यहाँ पर हम देखने वाले हैं डिकम्पोजिशन ऑफ कैपिटल स्टॉक, डिकम्पोजिशन ऑफ लेबर, क्रिटिक ऑफ मार्क्स, इम्परेटिवली कोऑर्डिनेटेड एसोसिएशन, लेटेंट एंड मैनिफेस्ट इंटरेस्ट, ये सारे चीज़ों को हम डिटेल में कवर करेंगे। अब एग्जाम में जब भी डेरेंडॉर्फ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ज़्यादातर उनके कीवर्ड से क्वेश्चन पूछा जाता है, इनमें ये जो चार कीवर्ड है ये आप लोगों को ज़रूर याद रखना होगा, आपके ज़्यादातर जो क्वेश्चन होंगे यहाँ से ही सॉल्व हो जाएंगे। डिकम्पोजिशन ऑफ कैपिटल स्टॉक, डिकम्पोजिशन ऑफ लेबर, इम्परेटिवली कोऑर्डिनेटेड एसोसिएशन, लेटेंट एंड मैनिफेस्ट इंटरेस्ट, ये चीज़ को अगर आपने याद रख लिया तो थोड़ा बहुत आप डेरेंडॉर्फ के बारे में आंसर्स लिख पाओगे। अब ये सारे चीज़ों को आज के क्लास में हम डिटेल में कवर करेंगे। अगर आप मेरे क्लासेस में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे सोशियोलॉजी रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। यहाँ पर बहुत सारे प्लेलिस्ट्स हैं, आप अपने पसंद के हिसाब से प्लेलिस्ट चूज करके स्टडी कर सकते हो, आपको चीज़ें ढूंढने में आसानी होगी। तो चलिए आज का ये जो सेशन है ये हम शुरू करते हैं। राल्फ डेरेंडॉर्फ एक जर्मन ब्रिटिश सोशियोलॉजिस्ट थे। इनका जन्म 1929 में हुआ था और इनका डेथ हुआ था 2009 में। अब जब भी हम कोई थ्योरिस्ट को पढ़ते हैं, थिंकर को पढ़ते हैं, तो उनका टाइमलाइन हमें ज़रूर दिमाग में रखना होता है, क्योंकि टाइमलाइन को याद रखे बगैर हम नहीं समझ सकते हैं कि उन्होंने उनके टाइम पीरियड पर कौन सी वो घटनाएं घट रही थी, कौन से वो सोसाइटी में बदलाव है जिनके बारे में वो बोल रहे हैं। इस वजह से इनका टाइम फ्रेम भी हमें दिमाग में रखना होगा। अब राल्फ डेरेंडॉर्फ ने जिस टाइम पीरियड पर चीज़ों को लिखा था वहाँ पर सोसाइटी थोड़ा बदल चुकी थी। जब कार्ल मार्क्स ने लिखा था चीजों के बारे में, वहां पर हम देखते हैं कि वो कैपिटलिस्ट सोसाइटी थी, जहां पर बहुत ज्यादा ऑपरेशन था, दो ही सिर्फ ग्रुप थे, एक था बोर्जुआ, दूसरा था प्रोलेटेरियट। बोर्जुआ जो था उसके पास सारे चीजें थी, उनको हैब्स भी कहा जाता था, और जो प्रोलेटेरियट है उनके पास कुछ नहीं था, उनको हैव नॉट्स कहा जाता था। अब जब तक डेरेंडॉर्फ इसी कॉन्फ्लिक्ट के बारे में पढ़ रहे थे, जब भी उन्होंने लिखना स्टार्ट किया था उस टाइम पीरियड पे सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस आ गई थी। यहाँ पर इंडस्ट्रियल सोसाइटीज डेवलप हो गई थी और मॉडर्न सोसाइटी में बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल बदलाव, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में भी बदलाव और पॉलिटिकल सिनेरियो में भी बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलती है। इस वजह से डेरेंडॉर्फ का जो थॉट प्रोसेस है वो थोड़ा अलग है कार्ल मार्क्स से। जब हम पर्सपेक्टिव की बात करते हैं, डेरेंडॉर्फ का पर्सपेक्टिव है कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव, यानी कि वो कॉन्फ्लिक्ट की नज़रिए से सोसाइटी में देखते हैं, जहाँ पर एक ग्रुप है जो लोगों को ऑप्रेस करता है और दूसरा ग्रुप है जो ऑप्रेस्ड होता है। और उनका जो दूसरा पर्सपेक्टिव है, जिस पर्सपेक्टिव में हम उनको रख सकते हैं, वो है न्यू मार्क्सिस्ट। न्यू मार्क्सिस्ट एक ऐसा पर्सपेक्टिव है जहाँ पर जो भी थिंकर्स होते हैं, जो भी स्कॉलर्स होते हैं, वो मार्क्स के आइडियोलॉजी को, मार्क्स के थ्योरीज को डेवलप करते हैं, यानी कि वहाँ पर जो भी कमियाँ हैं, खामियाँ हैं, उनको नए तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं।
यहाँ पर अगर सिंपली कहे तो मार्क्स के थ्योरी को नए तरीके से प्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर डेरेंडॉफ भी एक न्यू मार्क्सिस्ट है जिन्होंने मार्क्स के थ्योरी को ही नए तरीके से प्रेजेंट की थी, सोसाइटी में जो भी बदलाव आए थी उसके हिसाब से प्रेजेंट करने की कोशिश की थी। डेरेंडॉफ एक क्लास कॉन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट थे जिन्होंने मॉडर्न सोसाइटी में क्लास डिवीजन को एनालाइज किया था। वो एक एक्सपर्ट थे ये सारे चीज़ों को एनालाइज करने में, मॉडर्न सोसाइटी में क्लास किस तरीके से डिवाइड हो रही है, क्लास कॉन्फ्लिक्ट में किस तरीके का बदलाव देखने को मिलता है, उनके ऊपर उनका ज़्यादा फोकस था। डेरेंडॉफ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक थिंकर है जिन्होंने मार्क्सिस्ट और वेबरियन पर्सपेक्टिव दोनों को यूज़ किया था, यानी कि वो कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर ये दोनों से ही इन्फ्लुएंस्ड थे। हम बाकी जो थ्योरीज की बात करते हैं वहाँ पर देखते हैं कि कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर ये दोनों अपोजिट साइड के थिंकर है, दोनों अलग तरीके का चीज़ों के बारे में बात करते हैं, लेकिन डेरेंडॉफ ये दोनों थिंकर से प्रभावित थे और इन दोनों थिंकर से ही इन्होंने कॉन्सेप्ट को एडॉप्ट किया था। जब मार्क्स और वेबरन पर्सपेक्टिव को मिक्स करने की बात आती है सोशियोलॉजी में, अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया कि कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर के थिंकिंग को किसने अपने काम में यूज़ किया है तो वो हो जाएगा राल्फ डेरेंडॉफ। डेरेंडॉफ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट बुक है क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ये बहुत ही पॉपुलर बुक है जो उन्होंने 1959 में लिखी थी। इस बुक में उन्होंने सोशल इनइक्वलिटी के बारे में बात की थी कि सोसाइटी में किस तरीके से इनइक्वलिटी होती है, मॉडर्न सोसाइटी या फिर जिसको हम पोस्ट कैपिटलिस्ट सोसाइटी कहते हैं वहाँ पर किस तरीके का सोशल इनइक्वलिटी को लेकर प्रॉब्लम हो रही है, इन सारे चीज़ों के बारे में उन्होंने अपने बुक क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी में लिखा था। और ये जो बुक है ये बहुत पॉपुलर है और ये बुक बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी गया है, डेरेंडॉफ से ज़्यादातर इसी बुक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसी बुक के रिगार्डिंग आपको एमसीक्यू भी मिल सकते हैं। अब देखते हैं राल्फ डेरेंडॉफ के बुक्स के बारे में, उन्होंने बहुत सारे बुक्स लिखी है लेकिन इनमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो उन्होंने 1959 में लिखी है। फिर उनका बुक हम देखते हैं होमो सोशियोलॉजिकस, सोसाइटी एंड डेमोक्रेसी इन जर्मनी, रिफ्लेक्शन ऑन द रिवोल्यूशन इन यूरोप, एसेस इन द थ्योरी ऑफ सोसाइटी, द मॉडर्न सोशल कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ पर दो बुक से ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंट बुक है वो है क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी और दूसरा जो इम्पॉर्टेंट बुक है वो है एसेस इन द थ्योरी ऑफ सोसाइटी। ये दो बुक का नाम आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, जब भी एग्ज़ाम होगा तो ये दोनों बुक का नाम आपको पूछ सकते हैं या फिर आप जब डिस्क्रिप्टिव टाइप आंसर लिखोगे तो ये दोनों बुक का नाम ज़रूर कोट कीजिएगा। अब देखते हैं मार्क्स और वेबर से डेरेंडॉफ किस तरीके से इन्फ्लुएंस थे। डेरेंडॉफ ने कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर के पर्सपेक्टिव को यूज़ किया था, उनसे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। मार्क्स से उन्होंने लिया था सोशल कॉन्फ्लिक्ट का कॉन्सेप्ट कि सोसाइटी में हमारा क्लास स्ट्रगल के वजह से, क्लास के बीच में स्ट्रगल के वजह से हमारा सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट आता है, इसी को उन्होंने अपने काम में यूज़ किया था। यहाँ पर जब हम मार्क्स की बात करते हैं, मार्क्स दिखाते हैं कि सोसाइटी में प्रोडक्शन के मीन्स को लेकर ही कॉन्फ्लिक्ट होती है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं मैक्स वेबर का कॉन्सेप्ट। मैक्स वेबर ज़्यादातर अपना इम्पोर्टेंस देते हैं अथॉरिटी के ऊपर, उन्होंने बहुत सारे अथॉरिटी के बारे में बात की है और उन्होंने अथॉरिटी और पावर के हिसाब से सोशल रिलेशनशिप को समझने की कोशिश की थी। यहाँ पर कार्ल मार्क्स ने सोशल कॉन्फ्लिक्ट के हिसाब से सोसाइटी को समझने की कोशिश की थी और दूसरी तरफ मैक्स वेबर ने पावर और अथॉरिटी के हिसाब से सोसाइटी को समझने की कोशिश की थी। इन दोनों के कॉन्सेप्ट को मिक्स करके डेरेंडॉफ ने दिखाया था कि किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट हमारे सोसाइटी में होता है पावर और अथॉरिटी को लेकर, यानी कि जो मेन बेसिस है सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट का वो है पावर एंड अथॉरिटी। ये दोनों के कॉन्सेप्ट को मिक्स करके डेरेंडॉफ प्रेजेंट करते हैं। डेरेंडॉफ के हिसाब से पावर और अथॉरिटी ये दोनों अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं सोसाइटी में। सोसाइटी में पावर और अथॉरिटी ये दोनों
डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं अनइक्वली लोगों के बीच में, और इसी के वजह से जो हमारा सोशल सिस्टम है, इस सिस्टम में हमें अनइक्वल रिलेशनशिप देखने को मिलती है लोगों के बीच में। जब इस तरीके का रिलेशनशिप, अनइक्वल रिलेशनशिप हमें देखने को मिलती है, इसी के वजह से हमारा कॉन्फ्लिक्ट होता है सोसाइटी में, और इसी को उन्होंने क्लास कॉन्फ्लिक्ट कहा था। डेरेंडॉफ ने आइडेंटिफाई किया था कि क्लास कॉन्फ्लिक्ट जो है वो मेनली बेस्ड होता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी के वजह से। जब हम कार्ल मार्क्स की बात करते हैं, मार्क्स ने क्लास कॉन्फ्लिक्ट को बताया था कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेटेरियल रिसोर्सेस, जहां पर मेटेरियल चीज़ों के अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के वजह से हमारा सोसाइटी में क्लास कॉन्फ्लिक्ट होता है। लेकिन डेरेंडॉफ ने बताया है कि जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट होता है सोसाइटी में वो होता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी के वजह से, यानी कि अथॉरिटी को अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के वजह से हमारे सोसाइटी में क्लास कॉन्फ्लिक्ट होता है। ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में ये पूछा गया है, इसको ज़रूर आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं कैपिटलिज्म एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी। जब हम कैपिटलिज्म की बात करते हैं, कैपिटलिज्म के ऊपर काम किया था कार्ल मार्क्स ने, उन्होंने दिखाया था कि किस तरीके से कैपिटलिस्ट सोसाइटी में ऑपरेशन होता है, लोगों के बीच में क्लास कॉन्फ्लिक्ट होता है, जहां पर एक ग्रुप होता है बोर्जुआ और दूसरा होता है प्रोलेटेरियट। प्रोलेटेरियट के पास रिसोर्सेस ना होने के वजह से वो धीरे धीरे रिवोल्यूशन करते हैं। इस तरीके का सिस्टम हम देखते हैं कैपिटलिस्ट सोसाइटी में। लेकिन जब हम इंडस्ट्रियल सोसाइटी की बात करते हैं, डेरेंडॉफ ने कहा है कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी में चीज़ें थोड़ी बदल जाती है। मार्क्स ने प्राइवेट प्रॉपर्टी के हिसाब से चीज़ों को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन जब इंडस्ट्रियल सोसाइटी की हम बात करते हैं, यहाँ पर इस तरीके का चीज़ें नहीं होती है। वो जो पुराने ज़माने की मार्क्स का एनालिसिस है वो आजकल के मॉडर्न ज़माने में ऑपरेटिव नहीं है, इसको हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारे चेंजेस हो चुकी है सोसाइटी में। जैसे वो चेंजेस के बारे में बताते हैं कि हम डिकम्पोजिशन ऑफ लेबर देखते हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ कैपिटल देखते हैं इस इंडस्ट्रियल सोसाइटी में, साथ ही साथ न्यू मिडिल क्लास का इमर्जेंस भी देखते हैं, सोशल मोबिलिटी यहाँ पर आजकल के सोसाइटी में देखने को मिलते हैं। ये सारे चीज़ों के वजह से जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है और इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, ये दोनों पूरी तरीके से अलग हो चुकी है। जहाँ पर कैपिटलिस्ट सोसाइटी में कोई सोशल मोबिलिटी का चांसेस नहीं था, वहाँ पर एक होमोजेनाइजेशन ऑफ क्लासेस थी, यानी कि जो भी क्लास थी सेपरेट थी, वो अपने आप में इकट्ठा रहते थे। लेकिन आजकल की जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है वहाँ पर सोशल मोबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, कोई अगर हायर एजुकेशन ले या फिर उसके पास स्किल्स ज़्यादा हो तो वो मोबिलाइज कर सकता है अपनी पोजीशन को। यहाँ पर इस तरीके से ये सारे डिफरेंसेस के बारे में बात की है डेरेंडॉफ ने। अब इन्हीं जो थ्योरीज है, यही जो कॉन्सेप्ट है, इनको हम आगे डिटेल में समझने वाले हैं। अब देखते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ कैपिटल स्टॉक। कैपिटल स्टॉक से यहाँ पर हमें समझना होगा कि यहाँ पर कैपिटलिज्म में जो मेन था बोर्जुआ, जिसके पास सारे चीज़ें हैं, उसके बारे में बात की जा रही है। अब डिकम्पोजिशन वर्ड का मतलब क्या है? डिकम्पोजिशन का मतलब है कि आप कोई भी एक चीज़ को बहुत सारे टुकड़ों में बटा दो, यानी कि बहुत सारे टुकड़े जब एक चीज़ के किए जाते हैं तब इसको कहा जाता है डिकम्पोजिशन। इसी तरीके से डेरेंडॉफ ने डिकम्पोजिशन ऑफ कैपिटल स्टॉक के बारे में बात की है। यहाँ पर जो कैपिटल है, जिसके पास बोर्जुआ के पास जो भी चीज़ें हैं, जो भी कैपिटल बड़े लोगों के पास है, वो भी टुकड़े हो चुके हैं, उनमें भी हमें बंटवारा देखने को मिलता है। यहाँ पर हम आजकल के टाइम पर ओनर और मैनेजर, ये दोनों क्लासेस देखते हैं, जहाँ पर दोनों के अलग रोल्स होते हैं। जहाँ पर ओनर के पास पैसा होता है, वो उसके पास कैपिटल होता है, और मैनेजर जो है वो बाकी सारे चीज़ों को कंट्रोल करता है। इस तरीके से बहुत सारे और भी ग्रुप्स है जिनमें आज का सोसाइटी बट गया है। इस वजह से यहाँ पर जो स्टॉक होल्डर है उनके बीच में भी हमें सेपरेशन देखने को मिलता है। यहाँ पर कोई ओनर है जिसके जो चीज़ों को ओन करता है, कोई है एग्जीक्यूटिव जो सारे चीज़ों को रन करता है, जो सारे सिस्टम को ऑपरेट करता है। इस तरीके का चीज़ों में बंटवारा हो चुका है हमारा आजकल के सोसाइटी में, जिसको डेरेंडॉफ कहते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ कैपिटल स्टॉक।
अब ये जो डिकम्पोजिशन ऑफ कैपिटल स्टॉक है, इसके वजह से हमारा क्लास कॉन्फ्लिक्ट में भी बदलाव देखने को मिलता है। यहाँ पर जो भी क्लास है, पहले सिर्फ एक ग्रुप में एक ग्रुप था, वो डिकम्पोजिट होके बहुत सारे ग्रुप्स में बट चुका है। इस वजह से पैटर्न ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में भी बदलाव आ गया है, साथ ही साथ जो भी कारण है, जिस वजह से कॉन्फ्लिक्ट होगा उसमें भी बदलाव हम आजकल देख सकते हैं। अब देखते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ लेबर। डिकम्पोजिशन ऑफ कैपिटल के बाद डिकम्पोजिशन ऑफ लेबर के बारे में भी बात करते हैं डेरेंडोफ। डेरेंडोफ के हिसाब से ये जो लेबर है, लेबरर्स है, जो भी लोग हैं जिनको पहले सिर्फ प्रोलेटेरियट बुलाया जाता था, वो लोग अब बहुत सारे टुकड़ों में बट चुके हैं। यहाँ पर जो भी वर्कर्स है वो सिर्फ अब एक ग्रुप नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ग्रुप है जो अनस्किल्ड लेबरर्स है, कुछ है जो सेमी स्किल्ड और कुछ है हाईली स्किल्ड वर्कर्स। ये सारे अलग अलग तरीके का ग्रुप्स भी हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर ये जो सारे ग्रुप्स में बट गए हैं लोग, यहाँ पर स्किल्ड लेबरर, अनस्किल्ड लेबरर, सेमी स्किल्ड लेबरर्स, ये सारे जो ग्रुप्स है, इसके वजह से हमारा कॉन्फ्लिक्ट भी अलग तरीके से हो रहा है सोसाइटी में। ये सारे उनके स्किल के वजह से भी उनके अर्निंग अपॉर्चुनिटीज के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है। जिसके पास जितना ज़्यादा स्किल हो रहा है वो उतना ज़्यादा अर्न कर पा रहा है, उसके पास इतना ज़्यादा पैसा हो रहा है। ये सारे चीज़ों के वजह से हम देखते हैं कि आजकल के टाइम पीरियड पर हमारा एक मिडिल क्लास का कॉन्सेप्ट आ गया है। यहाँ पर एक मिडिल क्लास का कॉन्सेप्ट है, लेकिन जब हम नॉर्मल थ्योरी की बात करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी की बात करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी में हमें बताया जाता है कि सिर्फ दो तरीके के ही ग्रुप हो सकते हैं, जहाँ पर एक के पास ज़्यादा पैसा होगा जो बाकी लोगों को ऑप्रेस करेगा, और दूसरा ग्रुप होगा जिसके पास कुछ नहीं होगा। इस वजह से इसी कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी में डेरेंडोफ ने दो ग्रुप्स में लोगों को बांटा था, वो भी ब्यूरोक्रेटिक हायरार्की के हिसाब से। यहाँ पर एक ग्रुप होगा जिसके पास पैसा होगा, उसके पास ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल होगा, ये होगा एक ग्रुप, और दूसरा वो ग्रुप होंगे जो व्हाइट कॉलर वर्कर और वर्किंग क्लास के लोग होंगे, यानी कि जिनके पास मिडिल रेंज से लेकर निचले वर्ग तक पैसा होगा, और कुछ वो लोग होंगे जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा, जो मैनेजर्स होंगे या फिर ओनर्स होंगे। इस तरीके से उन्होंने दो अलग ग्रुप में लोगों को बांटा था। लेकिन जब हम प्रेजेंटली सोसाइटी की बात करते हैं, वहाँ पर हमें हायर क्लास मिलते हैं, मिडिल क्लास मिलता है, और वर्किंग क्लास मिलता है। जो मिडिल क्लास है उनको डेरेंडोफ ने वर्किंग क्लास में ही रखा था, यानी कि जो निचले प्रोलेटेरियट ग्रुप है उसके अंडर में ही उन्होंने रखने की कोशिश की थी। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि उन्होंने इतना ज़्यादा क्लेरिफिकेशन नहीं किया था कि कौन से लोग कौन से ग्रुप में रहेंगे, उन्होंने सिर्फ इन लोगों को समझाने की कोशिश की थी कि कौन कौन से ग्रुप में रह सकते हैं। अब देखते हैं द क्रिटिक ऑफ मार्क्स सजेस्टेड बाय डेरेंडोफ। डेरेंडोफ ने कार्ल मार्क्स के कौन से वो कॉन्सेप्ट है जिनको क्रिटिसाइज किया है। कार्ल मार्क्स ने होमोजेनाइजेशन ऑफ क्लासेस के बारे में बात की थी, यानी कि यहाँ पर उन कार्ल मार्क्स के हिसाब से जो ग्रुप्स है वो सिर्फ दो ग्रुप्स में बटी होंगी, और एक ग्रुप अपने आप में कॉन्शियस होगा, वो अपने आप को एक ग्रुप समझेगा। लेकिन हमारे सोसाइटी में हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के वजह से, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के वजह से, जहाँ पर हम पॉलिटिकल सिनेरियो में चेंजेस के वजह से, ये जो होमोजेनाइजेशन ऑफ क्लासेस है ये आज के टाइम पर हम नहीं देखते हैं। यहाँ पर इतना ज़्यादा एक अलग तरीके का सेपरेट क्लास हमें देखने को मिलता है, यहाँ पर मिक्स्ड चीज़ें रहती है, यहाँ पर अलग अलग ग्रुपिंग्स होती है लोगों के बीच में। अब यहाँ पर डेरेंडोफ ने क्रिटिसाइज करके कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स के बारे में बात की थी। यहाँ पर वो कहते हैं कि डेरेंडोफ कहते हैं कि आज के टाइम पर हमें डिकम्पोजिशन ऑफ लेबर देखने को मिलता है, डिकम्पोजिशन ऑफ कैपिटल भी देखने को मिलता है, साथ ही साथ एक जो न्यू मिडिल क्लास है ये भी आज उभर कर आ रही है हमारी सोसाइटी में। यहाँ पर डेरेंडोफ मिडिल क्लास के ऊपर थोड़ा बहुत जोर भी देते हैं। इसके बारे में, मिडिल क्लास के बारे में पहले जो भी कॉन्फ्लिक्ट थ्योरीज थे उन्होंने कभी बात नहीं की थी। डेरेंडोफ पहले वो इंसान है जिन्होंने मिडिल क्लास के बारे में बात की थी कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी में।
यहाँ पर डेरेंडोफ जोर देते हैं सोशल मोबिलिटी के ऊपर। सोशल मोबिलिटी एक ऐसा पॉसिबिलिटी है जहाँ पर कोई अपनी स्किल के द्वारा या फिर कोई एफेक्शन बाकी लोगों के मदद से अपने आप को इम्प्रूव कर पाए। जो भी वर्किंग क्लास है वो अगर ज़्यादा मेहनत करेगा, उसके पास ज़्यादा स्किल होगा, तो वो अपना पोजिशन को चेंज कर सकता है। इसको कहा जाता है सोशल मोबिलिटी। आजकल के जो मॉडर्न सोसाइटी है, जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, यहाँ पर हम सोशल मोबिलिटी देखते हैं। इस मोबिलिटी की वजह से लोगों के बीच में जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो जा रहा है, क्योंकि उनके बीच में जो भी स्किल्ड वर्कर है वो तो चेंज होते जा रहे हैं, वो अपने आप को अलग एक क्लास में चेंज कर पा रहे हैं। इस वजह से हर कोई अब हार्ड वर्क करने की कोशिश कर रहा है। पहले के टाइम पर जो लोग इकट्ठा हो रहे थे, क्लास कॉन्शियस बना रहे थे, वो आजकल धीरे धीरे कम होती हुई हमें देखने को मिलता है। इस वजह से हमारे सोसाइटी में क्लास कॉन्फ्लिक्ट भी आजकल धीरे धीरे कम हो रही है। फिर डेरेंडोफ ने बात की थी इक्वलिटी के बारे में। आजकल के टाइम पीरियड पर हम पॉलिटिकल स्फेयर में इक्वलिटी देखते हैं, यानी कि लोगों को इक्वली अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है। पॉलिटिकल स्फेयर में लोग आजकल योगदान दे पा रहे हैं। इसके वजह से भी जो क्लास स्ट्रगल है उसका इंटेंसिटी धीरे धीरे कम हो रहा है। यहाँ पर पहले जो कार्ल मार्क्स क्लास वार के बारे में बात करते हैं, यानी कि दो क्लास के विरुद्ध बीच में युद्ध होगा या फिर रिवोल्यूशन आएगा, इस ये सारे जो कॉन्सेप्ट है ये आज के टाइम पर मुमकिन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इक्वलिटी हमें देखने को मिलता है, सोशल मोबिलिटी देखने को मिलता है, साथ ही साथ लेबर और कैपिटल में भी हमें डीकम्पोजिशन देखने को मिलता है। अब यहाँ पर मैंने जो भी कॉन्सेप्ट बताई है ये आप लोग थोड़ा और केयरफुली देखिएगा। मैंने सारे इम्पोर्टेंट जो भी चीज़ें हैं इनको मार्क करके दे दी है। अब देखते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डेरेंडोफ का। जो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो है इम्परेटिवली कोऑर्डिनेटेड एसोसिएशन। इम्परेटिवली कोऑर्डिनेटेड एसोसिएशन जो कॉन्सेप्ट है इसको पहली बार डेवलप किया था राल्फ डेरेंडोफ ने ही। उन्होंने देखा था कि जो हमारा सोसाइटी है यहाँ पर जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है पहले की तरह नहीं रहा है। आजकल के टाइम पर जो सोशल सिस्टम है, जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हायरार्किकल सिस्टम में, हायरार्किकल स्ट्रक्चर में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ कुछ रूल्स और रेगुलेशंस भी है जो उनको जोड़े रखता है। जैसे कोई एक ओनर होता है कंपनी का, ओनर के भी कुछ बाउंड्रीज होते हैं, वो भी बाकी लोगों के लिए काम करना पड़ता है। साथ ही साथ ओनर के नीचे रहता है मैनेजर, मैनेजर चीज़ों को देखरेख करता है, उसके बाद होते हैं और भी लोग जो बाकी नीचे वर्किंग क्लास को देखते हैं। इस तरीके से हमें एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। यहाँ पर हर फेज में कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जिसके वजह से जो लेबरर्स हैं उनके हक के लिए लड़ा जाता है, उनके हक के बारे में भी यहाँ पर बातें की जाती है। इन सारे चीज़ों के वजह से, जो भी ये हायरार्किकल स्ट्रक्चर है, इन सारे चीज़ों के वजह से लोग एक दूसरे के साथ आजकल जुड़े हुए हैं। इसी चीज़ को डेरेंडोफ कहते हैं इम्परेटिवली कोऑर्डिनेटेड एसोसिएशन, यानी कि एक ऐसा एसोसिएशन जहां पर ओनर से लेकर लेबरर तक हर कोई एक ग्रुप में जुड़ा हुआ है, हर कोई एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड है। इसी ग्रुप को वो कहते हैं ICA या फिर इम्परेटिवली कोऑर्डिनेटेड एसोसिएशन। अब ये जो इम्परेटिवली कोऑर्डिनेटेड एसोसिएशन है, यहाँ पर दो मेन चीज़ें हैं। एक है डोमिनेशन, जो ऑथोरिटेरियन पर्सन के द्वारा दिखाया जाता है, और दूसरा है सब्जेक्शन। सब्जेक्शन यानी कि जो बाकी निचले वर्ग के लोगों को कंट्रोल किया जाता है। यहाँ पर उन्होंने इम्परेटिवली कोऑर्डिनेटेड एसोसिएशन में ऑथोरिटी के ऊपर जोर दिया था। ऑथोरिटी में किसी के पास ऑथोरिटी होता है और किसी के पास ऑथोरिटी नहीं होता है। जिसके पास ऑथोरिटी होता है उसको हम कहते हैं कमांड क्लास, और जिसके पास ऑथोरिटी नहीं होता है उसको हम कहते हैं ओबे क्लास, यानी कि वो बाकी लोगों को फॉलो कर रहा है। डेरेंडोफ के हिसाब से एनी एसोसिएशन इन विच लाइव मेंबर्स आर सब्जेक्ट टू ऑथोरिटी रिलेशंस विल बी कॉल्ड एज इम्परेटिवली कोऑर्डिनेटेड एसोसिएशन। डेरेंडोफ के हिसाब से
कोई भी एक एसोसिएशन को हम इम्पेरेटिवली कोऑर्डिनेटेड एसोसिएशन तभी कहेंगे जहां पर लोग अथॉरिटी रिलेशन के द्वारा एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। यहां पर जो भी मेंबर्स होंगे वो सारे मेंबर एक अथॉरिटेरियन रिलेशनशिप के द्वारा एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होंगे। जब इस तरीके का कोई एसोसिएशन होगा तब इसको हम कहेंगे इम्पेरेटिवली कोऑर्डिनेटेड एसोसिएशन। यानी कि यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है अथॉरिटी रिलेशंस, यानी कि यहाँ पर अथॉरिटी के जरिए लोगों में रिलेशन होना चाहिए। कोई अगर डोमिनेट करेगा उसके पास अथॉरिटी होगा, और कोई अगर सब्जेक्शन में रहेगा उसके पास अथॉरिटी नहीं रहेगा, लेकिन इनके बीच में एक अथॉरिटेरियन रिलेशन जरूर रहेगा। यहाँ पर डेरेंडॉफ ने डोमिनेशन और सब्जेक्शन के बीच में जो एसिमेट्री या फिर डिफरेंस है इसके बारे में भी वो बात करते हैं। यानी कि इम्पेरेटिवली कोऑर्डिनेटेड एसोसिएशन के में ये दोनों ग्रुप के बीच में थोड़े डिफरेंसेस भी होते हैं। अब यहाँ पर एक पिक्चर है, इससे आप लोगों को चीज़ें और भी क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर जो भी लोग होते हैं हमारा एक स्ट्रक्चर में, एक खासकर जब भी हम कोई ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, कोई भी फैक्ट्री की बात करते हैं, वहाँ पर कुछ लोग होते हैं जिनके पास अथॉरिटी होते हैं, उनको हम कहते हैं सुपर ऑर्डिनेटेड। ये जो क्लास के लोग हैं इनको हम बेसिकली कहते हैं कमांड क्लास। ये याद रखिएगा, ये जो लोग हैं इनको हम कहते हैं कमांड क्लास, जिनके पास अथॉरिटी रहती है। और दूसरे जो सबऑर्डिनेट होते हैं इनको हम कहते हैं ओबे क्लास। ये दोनों के बीच में अथॉरिटी को लेकर ही रिलेशन है। यहाँ पर इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप ऑफ अथॉरिटी हमें देखने को मिलती है, जिसके वजह से हमें एक क्लास कॉन्फ्लिक्ट भी देखने को मिलता है सोसाइटी में। और दूसरा जो चीज़ है अथॉरिटी का, ये दोनों के बीच में हमें कुछ ना कुछ पावर देखने को मिलता है। यहाँ पर ही अथॉरिटी ही होता है ये दोनों ग्रुप के बीच में क्लास फॉर्मेशन का कारण। एक जो ग्रुप बनेगा जिसके पास अथॉरिटी होगा वो होगा कमांड क्लास, और दूसरा जो ग्रुप होगा जिसके पास अथॉरिटी नहीं होगा वो होगा हमारा ओबे क्लास। इस तरीके से अथॉरिटी के रिलेशनशिप के वजह से ही ये जो एक स्ट्रक्चर बनता है, ये जो एक पूरी की पूरी स्ट्रक्चर तैयार होता है, इस पूरी की पूरी स्ट्रक्चर को ही कहा जाता है इम्पेरेटिवली कोऑर्डिनेटेड एसोसिएशन। अब आशा करता हूँ ये जो चीज़ें हैं आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। अब देखते हैं लेटेंट एंड मैनिफेस्ट इंटरेस्ट। अब इस चीज़ को आप लोग लेटेंट एंड मैनिफेस्ट फंक्शन के साथ कंफ्यूज मत करना। लेटेंट एंड मैनिफेस्ट फंक्शन के बारे में बात की है आरके मार्टन ने, और ये जो लेटेंट एंड मैनिफेस्ट इंटरेस्ट है इसके बारे में बात करते हैं डेरेंडॉफ ने ही लेटेंट और मैनिफेस्ट इंटरेस्ट के बारे में बात की है। लेटेंट इंटरेस्ट वो सारे इंटरेस्ट है जो इतना ज़्यादा उभर कर नहीं आते हैं, ये बेसिकली हमारा इनर पार्ट में रह जाते हैं। यानी कि हमारे अंदर ही अंदर हमारे कुछ इच्छाएं होती है, कुछ इंटरेस्ट होती है जो हम बाहर निकाल के नहीं ला सकते हैं। ये इस इंटरेस्ट को ही कहा जाता है लेटेंट इंटरेस्ट। डेरेंडॉफ के हिसाब से जो लेटेंट इंटरेस्ट है ये इंटरेस्ट हमें हर इंसान में देखने को मिलता है। ये डोमिनेंट ग्रुप हो या फिर सब्जेक्शन वाला ग्रुप हो, ये सारे अपने चीज़ों के बारे में, इस तरीके का इंटरेस्ट के बारे में अवेयर नहीं होते हैं। हर इंसान के बीच में इस तरीके का कुछ इंटरेस्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पर लोग ग्रुप फॉर्म नहीं करते हैं, वो अपने इंटरेस्ट को इतना ज़्यादा उभार के नहीं लाते हैं। फिर दूसरे तरीके का जो इंटरेस्ट है वो है मैनिफेस्ट इंटरेस्ट। मैनिफेस्ट इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट है जो हम लोगों में दिखाते हैं, जो लोग जिस तरीके का इंटरेस्ट दिखाते हैं उसको कहा जाता है मैनिफेस्ट इंटरेस्ट। मैनिफेस्ट इंटरेस्ट में लोग अपने इंटरेस्ट को लेकर कॉन्शियस होते हैं, वो एक दूसरे के साथ बातें करते हैं और साथ ही साथ एक ग्रुप भी फॉर्म करते हैं इस इंटरेस्ट को लेकर, इसको कहा जाता है मैनिफेस्ट इंटरेस्ट। अब ये दोनों इंटरेस्ट के बारे में आप समझ लिए हैं। अब इन दोनों के रिलेटेड और दो टर्म हैं। जब लेटेंट इंटरेस्ट वाले जो लोग हैं वो जब इकट्ठा होकर एक ग्रुप तैयार करते हैं उसको कहा जाता है कॉजी ग्रुप।
कॉजी ग्रुप वो ग्रुप है जहां पर लेटेंट इंटरेस्ट वाले लोग, जिनका कॉमन लेटेंट इंटरेस्ट है, वो जब मिलकर एक ग्रुप तैयार करते हैं उसको कहा जाता है कॉजी ग्रुप। और दूसरे जो ग्रुप है वो है इंटरेस्ट ग्रुप। यहां पर जो मैनिफेस्ट इंटरेस्ट वाले लोग हैं वो जब मिलकर एक ग्रुप क्रिएट करते हैं उसको कहा जाता है इंटरेस्ट ग्रुप। अब ये दो ग्रुप में क्या डिफरेंस है? कॉजी ग्रुप में वो सारे लोग हैं जिनके लेटेंट इंटरेस्ट है, जब जो एक दूसरे के इंटरेस्ट के बारे में इतना ज़्यादा नहीं जानते हैं, वो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट को प्रेजेंट नहीं करते हैं। इस वाले जो ग्रुप है इनका एक स्ट्रक्चर नहीं भी हो सकता है, यानी कि इनका एक नॉर्मल ग्रुप नहीं भी हो सकता है, लेकिन इन सारे लोगों को हम एक ग्रुप में रख सकते हैं। इस वजह से इस ग्रुप को कहा जाता है कॉजी ग्रुप, जहां पर ग्रुप तो एग्जिस्ट करता है लेकिन यहां पर ग्रुप के मेंबर उनको खुद को पता नहीं होता है कि वो लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, उनका सेम इंटरेस्ट है। और दूसरी तरफ इंटरेस्ट ग्रुप में जो भी इंडिविजुअल्स होते हैं वो अपने इंटरेस्ट के बारे में लोगों को बताते हैं, वो अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए कुछ एसोसिएशंस भी तैयार करते हैं। अब यहाँ पर डेरेंडॉफ कहते हैं ये जो लेटेंट इंटरेस्ट है, ये लेटेंट इंटरेस्ट धीरे धीरे जाकर मैनिफेस्ट इंटरेस्ट भी बन सकता है, यानी कि इनके जो अंदर की जो सुप्त इच्छा है ये धीरे धीरे मैनिफेस्ट भी हो सकता है। जब इस तरीके का चेंजेस आती है स्ट्रक्चर में तब ये जो कॉजी ग्रुप है वो इंटरेस्ट ग्रुप भी बन सकता है, यानी कि जब लेटेंट इंटरेस्ट वाले लोग मैनिफेस्ट इंटरेस्ट में पहुँचेंगे तब कॉजी ग्रुप भी इंटरेस्ट ग्रुप में जाकर पहुंचेगी। अब यहां पर आप लोगों को थोड़ा चीजें कंफ्यूजिंग लग रहा है तो हम आगे एक चार्ट के द्वारा ये सारे चीजों को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। अब यहां पर आपको एक चार्ट दिख रहा होगा, यहां पर हमारा जो दो तरीके का इंटरेस्ट है, पहला है लेटेंट इंटरेस्ट, दूसरा है मैनिफेस्ट इंटरेस्ट। लेटेंट इंटरेस्ट वाले जो लोग हैं जिनका इंटरेस्ट इतना ज्यादा बाहर नहीं आया है, वो जब एक ग्रुप फॉर्म करता है उस ग्रुप को हम कहते हैं कॉजी ग्रुप। और जब मैनिफेस्ट इंटरेस्ट वाले लोग एक साथ मिलकर एक ग्रुप तैयार करता है तब उसको कहा जाता है इंटरेस्ट ग्रुप। यहां पर सोसाइटी में बहुत बार लेटेंट इंटरेस्ट वाले जो लोग हैं वो मिलकर उनका इंटरेस्ट धीरे धीरे मैनिफेस्ट इंटरेस्ट में भी कन्वर्ट हो सकता है, जो लेटेंट इंटरेस्ट है वो धीरे धीरे मैनिफेस्ट इंटरेस्ट में कन्वर्ट हो सकता है, तब जो कॉजी ग्रुप है वो भी इंटरेस्ट ग्रुप में बदल जाएगा, यानी कि लेटेंट इंटरेस्ट से मैनिफेस्ट इंटरेस्ट जब होगा तब कॉजी ग्रुप भी इंटरेस्ट ग्रुप में बदल जाएगा। अब आप लोगों को ये सारे चीज़ें क्लेरिफाई हो गई है, आशा करता हूँ ये सारे चीज़ों में अब आप लोगों को कोई और दिक्कत नहीं होगी। ये जो सारे चीज़ें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चीज़ें बहुत सिंपल है लेकिन हम समझते नहीं हैं, इस वजह से हमें एग्जाम में दिक्कत आती है। खासकर डेरेंडॉफ को लेकर ज़्यादातर स्टूडेंट के बीच में कन्फ्यूजन रहती है कि उनको सारे चीज़ें क्लेरिफाई नहीं मिलती है। मैंने यहाँ पर कोशिश की है, नोट्स भी मैंने इसी तरीके से प्रोवाइड करने की कोशिश की है कि आपके जो भी प्रॉब्लम है वो सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए और डेरेंडॉफ आपको क्लियरली समझ में आ जाए। अब देखते हैं डेरेंडॉफ ने सोशल क्लास के बारे में क्या कहा है। यहां पर डेरेंडॉफ के हिसाब से सोशल क्लासेस आर सच ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड कलेक्टिविटीज व्हिच शेयर लेटेंट और मैनिफेस्ट इंटरेस्ट व्हिच अराइज फ्रॉम द अथॉरिटी स्ट्रक्चर ऑफ इंपरेटिवली कोऑर्डिनेटेड एसोसिएशन। अब डेरेंडॉफ का कहना है कि जो सोशल क्लास है वो एक ऐसा ऑर्गेनाइज्ड या फिर अनऑर्गेनाइज्ड कलेक्टिविटीज हो सकते हैं जिनका लेटेंट या फिर मैनिफेस्ट इंटरेस्ट होगा। ये जो सारे लोग होंगे वो एक इम्परेटिवली कोऑर्डिनेटेड एसोसिएशन का मेंबर होंगे, वो यानी कि वो लोग एक ऑथोरिटियर स्ट्रक्चर से बिलोंग कर रहे होंगे। यहाँ पर जिनका ऑर्गेनाइज्ड एक स्ट्रक्चर होगा अलग अलग, यहाँ पर जो लोगों के बीच में एक अपना ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर या फिर अनऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होगा वो लोग एक क्लास तैयार करेंगे, उसको ही उन्होंने कहा है सोशल क्लास। जैसे एग्जाम्पल से जो ओनर के लोग हैं, जो ओनर्स हैं वो लोग एक ग्रुप फॉर्म करेंगे, वो हो जाएंगे एक सोशल क्लास के लोग। फिर जो मैनेजर्स हैं वो अगर एक ग्रुप फॉर्म
तो उस वो हो जाएगा उनका एक सोशल क्लास का ग्रुप। फिर जो मिडिल क्लास के लोग होंगे जो वर्किंग क्लास को कंट्रोल करते हैं, देखरेख करते हैं, व्हाइट कॉलर के जो जॉब वाले लोग हैं वो हो जाएंगे एक सोशल क्लास के ग्रुप, और जो वर्किंग क्लास के लोग हैं वो हो जाएंगे और एक सोशल क्लास के ग्रुप। ये सारे जो ग्रुप्स हैं वो एक ही इंपरेटिवली कोऑर्डिनेटेड एसोसिएशन के हिस्सा बनते हैं। इस तरीके से सोशल क्लास को डिफाइन किया था डेरेंडोफ ने। डेरेंडोफ ने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात की थी सोशल क्लास को लेकर। उनके हिसाब से जो सोशल क्लास है ये इंपरेटिवली कोऑर्डिनेटेड एसोसिएशन का ही हिस्सा होते हैं। यहाँ पर वो एक ही इंपरेटिवली कोऑर्डिनेटेड एसोसिएशन का हिस्सा होने चाहिए वो सोशल क्लास के लोग। अगर अलग अलग ICA के हिस्सा होंगे तो वो लोग सोशल क्लास नहीं होंगे। यहाँ पर एक सोसाइटी का हर मेंबर इसका हिस्सा नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ ICA के लोग जो इंपरेटिवली कोऑर्डिनेटेड एसोसिएशन के जो लोग हैं वो ही सिर्फ सोशल क्लास फॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पर जो ऑथोरिटेरियन स्ट्रक्चर है ये दो टुकड़ों में बटा होगा, एक होगा डोमिनेशन, दूसरा होगा सब्जेक्शन। यहाँ पर दो क्लासेस के बारे में डेरेंडोफ बात करते हैं, एक है कमांड क्लास, दूसरा है ओबे क्लास। कमांड क्लास जो डोमिनेशन के जो लोग हैं जिनके पास पावर है, जिनके पास ऑथोरिटी है, वो होंगे कमांड क्लास के लोग, और जो ओबे क्लास के लोग हैं उनके पास कोई ऑथोरिटी नहीं होगी। ये दो क्लास के बारे में डेरेंडोफ ने बताई है और इसको भी याद रखिएगा। डेरेंडोफ कहते हैं कि जो सोशल क्लासेस है ये हमेशा एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट ग्रुप्स भी फॉर्म करते हैं। यानी कि कॉन्फ्लिक्ट ग्रुप्स का फॉर्मेशन होगा ये सारे सोशल क्लासेस से ही, जब लोग अपने कॉन्शियस के लिए अवेयर होंगे, जो अपने हक के लिए लड़ेंगे तभी ये ग्रुप्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा और ये कॉन्फ्लिक्ट ग्रुप्स तैयार करेंगे। ये सोशल क्लासेस ही बाद में जाकर कॉन्फ्लिक्ट ग्रुप में तैयार दिखेंगे। अब यहाँ पर हमने बहुत सारे चीज़ें पढ़ी है, थोड़ी देर पहले हमने देखी है जहाँ पर लेटेंट इंटरेस्ट है, मैनिफेस्ट इंटरेस्ट है, वहाँ पर दो तरीके का ग्रुप है, कॉजी ग्रुप और दूसरा है इंटरेस्ट ग्रुप। यहाँ पर हम अब तीसरे तरीके का ग्रुप का नाम जान चुके हैं जो है कॉन्फ्लिक्ट ग्रुप। जब पहले होता है कॉजी ग्रुप, कॉजी ग्रुप जब धीरे धीरे अपना इंटरेस्ट के बारे में जानने लगता है, जो जब वो लोगों के साथ घुल मिल जाता है और एक ग्रुप फॉर्म करता है तब ये ग्रुप हो जाता है कोजी ग्रुप, हो जाता है इंटरेस्ट ग्रुप। और जब ये इंटरेस्ट ग्रुप अपने चीज़ों को फुलफिल करने के लिए मोबिलाइज करता है या फिर अपने डिमांड को फुलफिल करने का कोशिश करता है और बाकी ग्रुप्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आता है तब ये बन जाता है कॉन्फ्लिक्ट ग्रुप। अब ये जो चीज़ें हैं ये आप लोगों के लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकती है, तो वापस क्लास को पहले से देखना, क्योंकि चीज़ें थोड़ा सिंपल है लेकिन फिर भी हमें कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है। यहाँ पर नोट्स भी मैंने अच्छी तरीके से प्रोवाइड करके दे दी है। तो आज का ये जो क्लास है मैं यहाँ पर ही ख़त्म करता हूँ। अगर क्लासेस आप लोगों को हेल्पफुल लग रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।